बैट पकड़ना तक नहीं आता, एसोसिएशन पकड़ रखता है। कुछ दिन ऐसा ही जूस की दुकान खोला, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, पर कुछ करके ही जाएगा। तो बहुत ज्यादा राजनीति है खेलों में, यहाँ से जाते हैं ब्लैंकेट में काम करके। कितनी दूर से आते हैं? 18 किलोमीटर दूर। इनको तो अभी ये नहीं पता कि हमने प्रैक्टिस बार खाना क्या है। मे बी 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें शायद बॉक्सिंग बाहर हो जाएगी। तो बॉक्सिंग क्यों शुरू किया? अच्छा क्यों? ऐसे ऑटोमेटिक होता है तो इसलिए मुझे लगा मैं बॉक्सिंग कर लीजिए। और बॉक्सिंग से गुस्सा कम हुआ? हाँ हुआ। हाँ मुझे लगा है। आप वो कहाँ के? मैं भिवानी से हूँ। बताओ क्या हो रहा है? सर मैं अगर अपने गेम की बात करूँ बॉक्सिंग की, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बच्चे ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं तो कंधे पे हाथ रखे शाबाश बेटा बहुत अच्छा कि आपने मेडल जीते, लेकिन जो नीचे से जमीन अर्थ से हमारी बॉक्सिंग या कोई भी गेम स्टार्ट होना चाहिए ना वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, हमारी बॉक्सिंग स्टार्ट होती है स्कूल गेम से। तो अगर आपका हिंदुस्तान में परफेक्ट बॉक्सिंग सिस्टम होता जी सर वो कैसा होता? अगर बॉक्सिंग सिस्टम को सुधार के अगर ठीक ठाक तरीके से किया जाए ना तो जो आज हमारा सूखा है बॉक्सिंग में मेडल का, 2008 में ओलंपिक में एक मेडल आया था, उसके बाद कोई लड़के का किसी का मेडल नहीं आया है, 2012 में मैरी कॉम का मेडल आया है और 2020 में लवलीना का मेडल आया है, माइकल फ्लिप्स हैं, तैराक हैं, अकेला बंदे ने 28 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, जितने मेडल हमारे पूरे इंडिया के आज तक नहीं आए उस अकेले बंदे ने इतने जीत रखे हैं। तो बहुत दर्द होता है सर बॉक्सिंग को लेकर या किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर। तो बहुत ज़्यादा राजनीति है खेलों में, जो हमारा स्कोरिंग सिस्टम है अगर वो ठीक किया जाए चीटिंग होती है सर। जिसके पास पैसा है वो मतलब शॉर्ट सर्किट कर देता है पूरा। पैसा तो गेम नहीं तो जूस की दुकान खोला। तो आपका आपका लक्ष्य क्या है इस सब में, क्या करना चाहते हो? बड़ा करके 8 साल होगा सर गाँव नहीं गए। 8 साल नहीं मिले क्या? 8 साल नहीं गया सर। मैं सोचता हूँ मिले तो नहीं, वो यहाँ है नहीं पता ही नहीं बताता वरना उठा के ले जाएंगे मेरे को। मैं तो उनको पता नहीं बताता पर थोड़ा बहुत पैसा उनको दे देता हूँ जो करके थोड़ा उनके लिए। उनके पास इतना पैसा नहीं कि मैं उनसे पैसा ले लूँ, उल्टा मुझे ही देना पड़ता है। भाई की शादी में भी नहीं गया था मैं, चला गया सर आने नहीं तो वो मतलब। हाँ अच्छा तो मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा करके जाऊँ कि लोग मेरे जैसा बनना चाहें, तब तक नहीं जाऊँ चाहे 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए पर कुछ करके ही जाऊँ। मैंने एक चीज देखी है, दूर से देखता रहता हूँ, ये सारे के सारे जो एसोसिएशंस हैं इसमें सारे के सारे लीडर्स राजनेता हैं, क्रिकेट एसोसिएशन, जूडो एसोसिएशन और सब पार्टी के, यानी कि सिर्फ बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, मतलब हर पार्टी के मतलब। और इनको स्पोर्ट्स आता होता है नहीं? हाँ जी, बैट पकड़ना तक नहीं आता, एसोसिएशन पकड़ रखता। अब जिन्होंने स्पोर्ट्स किया नहीं है वो समझ नहीं सकते इस चीज को भी किस किस चीज से स्पोर्ट्स में निकलता है। अभी ये बच्चे हैं तो इनको अभी खाने के लिए पैसे ही नहीं है, इनके पास रहने के लिए पैसे नहीं है, 2-2, 3-3 हज़ार के रूम में अब 4-4 बच्चे रह रहे हैं भाई, मच्छर है ना, कोई एसी भी नहीं है इनके पास, कूलर भी नहीं है, जो नॉर्मल पंखा है वही गर्मी में, तो बॉडी की रिकवरी नहीं होगी जब तक अच्छे से डाइट नहीं खाएंगे। तो वर्कआउट करने से प्रैक्टिस करने से बॉडी और डाउन हो जाएगी। हाँ जी और डाउन हो जाएगी अगर डाइट नहीं है, रिकवरी नहीं है। हाँ जी सच्चाई। हाँ जी इन बच्चों को पता ही नहीं है प्रोटीन कहाँ से लेना है, कार्बो क्या, वो जो मिलता है वही खा लेते हैं, इनको पता ही नहीं अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं है। तो आपको सिखाया नहीं जाता? सिखाया नहीं जाता, मतलब कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं, डॉक्टर वगैरह होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, तो इनको तो अभी यही नहीं पता कि हमने प्रैक्टिस के बाद खाना क्या है। आपकी डाइट कैसी है? एक्चुअली मैं खुद ही स्टेबल करती हूं। घर वाले क्या सोचते हैं? शादी करो, खत्म करो, जॉब करनी पड़ती है, पहले तो रेस्ट वेस्ट करना पड़ता है, रेस्ट इतना कर नहीं पाते हैं, यहाँ से जाते हैं ब्लैंकेट में काम करके, जिस दिन रेस्ट होता है उस दिन ज्यादा भी 1-2 घंटे फालतू कर लेते हैं, यहाँ छोटी मोटी मैराथन होती है उनको खेल लेते हैं, उनसे कुछ पैसे वैसे आते हैं तो उनसे कर लेते हैं काम, जानकारी नहीं है घर वालों को, घर वाले कहते हैं नहीं 1 या 2 साल दे सकते हैं आपको और ज्यादा नहीं। तो क्या लगता है वो जो कह रहे हैं लॉजिकल है या नहीं, गलत है या सही है? गलत है सर, गलत है सर हमारा गेम। वो आपसे कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि देखो भाई रिस्क मत, उनको दिख रहा है कि ये यहाँ पे जो सिस्टम है वो काम का सिस्टम नहीं है। यस सर, मतलब आप पूरा अकेले जा रहे हो और अकेले जाने में रिस्क, तो उनको दिख रहा है कि यार बेटा है हमारा ये जा रहा है और ये मतलब गोल्ड मेडल के पीछे जा रहा है मगर चांसेस कम है क्योंकि सिस्टम मदद नहीं कर रहा है। अगर सिस्टम मदद कर रहा होता तो फिर आपके पेरेंट्स कहते चलो जाओ,
हमारे देश में बहुत टैलेंट है सर, बहुत ज्यादा टैलेंट है। अगर टैलेंट को निखारा जाए, उनको थोड़ा सा साथ दिया जाए, तो आने वाले टाइम में ओलंपिक में हमारे भी सर 100-100 मेडल होंगे। सर पैसा नहीं है तो गेम नहीं, क्योंकि डाइट बहुत कैलोरीज है, अगर कैलोरी नहीं है तो गेम नहीं है सर। सर जब तक जितनी मर्जी है खेलो इंडिया, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी स्कीम चल जाए, इससे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, जब तक ग्रास रूट पे ही ये सब चीजें नहीं सुधारी जाएंगी। राजनेता हैं जी जो एसोसिएशन पे बैठ जाते हैं, ये बंद कर देना चाहिए। कि स्पोर्ट्स का आदमी बैठे, स्पोर्ट्स का आदमी बैठना चाहिए बिल्कुल। इससे फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज, काफी चेंज होगा बहुत सारा, क्योंकि उनको समझ नहीं आती। जो वहां तक पहुंचा है, जिसने सफर किया है, वही बता सकता है बारे में। आप बताइए, ये नहीं डिस्कस तो है, मैं भी अभी नहीं आई हूँ यहाँ पे, मुझे भी जानकारी नहीं थी स्पोर्ट के बारे में। तो कब आई यहाँ पहली बार? जनवरी में। अच्छा, कितनी दूर से आती है? मैं इंद्रपुरी से आती हूँ, 18 किलोमीटर दूर। अगले ओलंपिक्स में कितने मतलब नेशनल बॉक्सर्स हैं जो मेडल जीत सकते? सर मैं अगले ओलंपिक की बात बताऊंगा। मैं भी 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें शायद बॉक्सिंग बाहर हो जाएगी, अभी बाहर कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है पार्शलिटी। अभी जैसे हमारे 71 किलो में निशान देव बॉक्सिंग खेले थे, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, और अगर आप किसी से भी दिखा लो अबाउट, वो जीता पड़ा है बच्चा, और ओलंपिक में उसको हरा दिया जाता है। जो इतना बड़ा लेवल है वहाँ पे उसके साथ चीटिंग करी जाती है, तो सोचने की बात है सर यहाँ कैसे ठीक होगा। ओलंपिक तक पहुंचने का, गोल्ड मेडल लेने का टारगेट ही खत्म हो गया बच्चों का भी हमारे वहाँ। उसका कारण ये राजनीति है सर। अगर सिस्टम ठीक किया जाए तो मैं खुद गारंटी लेता हूँ सर, हमारे हर देश के हर गेम में बहुत आगे तक हमारा स्पोर्ट जाएगा।